होता अगर महात्मा गांधी और नाथूराम गौडसे आमने सामने आ जाते और दोनों अपने विचारों को एक दूसरे के सामने रखते, दोनों के इस वैचारिक युद्ध में किसकी जीत होती? दो मशहूर ऐतिहासिक किरदारों को लेकर राजकुमार संतोषी ने एक फिल्म बनाई है जिसका नाम है गांधी गौडसे एक युद्ध। फिल्म का दमदार ट्रेलर रिलीज हो गया है और लोगों को काफी पसंद आ रहा है, अच्छा रिएक्शन आ रहा है। हालांकि इसे कंपेयर किया जा रहा है जनवरी में 25 तारीख को रिलीज होने वाली पठान के साथ, तो मैं ये बोलना चाहूंगा देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन द टू मूवीज। पठान बहुत बड़े स्केल में बनी है, बहुत बड़े स्टार कास्ट है, तो उनसे कंपैरिजन करना बहुत ही गलत होगा। और दूसरी बात यह है कि दोनों मूवी के जो ऑडियंस होंगे उनकी टेस्ट, उनका चॉइस बहुत ही डिफरेंट होगा, क्योंकि ये दोनों की कहानी बहुत ही अलग है। वैसे गांधी के ऊपर फिल्में बहुत सारी बन चुकी हैं, लेकिन इस मूवी में थोड़ा कुछ नया देखने को मिलता है और इसका कंटेंट थोड़ा अलग है। इसमें बहुत सारे प्रश्न होंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि रियल हीरो कौन है या फिर इस पूरी घटनाक्रम का जो कि आजादी का टाइम हुआ था उसका विलेन कौन है। ये देखने वाली बात होगी कि राजकुमार संतोषी ने इसे कैसे प्रोजेक्ट किया है। 3 मिनट 10 सेकंड के इस फिल्म के ट्रेलर में भारत के उस दौर में आप पहुंच जाएंगे जहां आजादी के बाद विभाजन की स्थिति बनी हुई थी, किस तरीके से महात्मा गांधी और नाथूराम गौडसे के बीच का तनाव शुरू हुआ और क्यों गौडसे गांधी के विचारों के खिलाफ थे। ऐसे कई दिलचस्प किस्से आपको गांधी गौडसे एक युद्ध के इस शानदार ट्रेलर में आसानी से देखने को मिलेंगे। गांधी और गौडसे की अलग विचारधाराओं को भी यह फिल्म दर्शाती हुई नजर आती है। राजकुमार संतोषी के इस फिल्म के इस ट्रेलर से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह फिल्म सिनेमाघरों में अच्छा खासा कलेक्शन कर सकती है और दर्शकों को यह मूवी पसंद भी आ सकती है। यह फिल्म एक ऐसी काल्पनिक कहानी है जिसमें महात्मा गांधी और नाथूराम गौडसे अपने अपने विचारों के साथ एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। दोनों की जेल में मुलाकात भी दिखाई गई है जहां दोनों ही अपने विचारों को सही साबित करते हुए दिख रहे हैं। सारे किरदार इस फिल्म में दमदार दिख रहे हैं और इस फिल्म का डायलॉग भी बहुत ही अच्छा है। फिल्म का म्यूजिक भी सही लगा और रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम की धुन बैकग्राउंड में सुनने को अच्छा लगता है। मूवी में इसका सही जगह पे अच्छा यूज होना चाहिए। तो अब इस मूवी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट की अगर बात की जाए तो इसमें आपको रेगुलर जो गांधी की स्टोरी होती है इसे बहुत अलग देखने को मिलेगा। इसे काल्पनिक इसलिए बोला जा रहा है कि जब नाथूराम गौडसे ने गांधी को मारा था फिर उसके बाद कहानी वहीं खत्म हो चुकी थी। नाथूराम गौडसे और गांधी कभी भी एक दूसरे से आमने सामने बातें करते हुए नजर नहीं आए थे और दोनों ने अपने विचारों को कभी एक दूसरे के सामने व्यक्त नहीं किया, क्योंकि ये काल्पनिक कथा है। तो इस मूवी में आपको दिखाया जाएगा गांधी की मृत्यु के बाद गांधी फिर से जिंदा होते हैं और दोनों ही एक दूसरे के सामने आते हैं, तो ये बहुत ही दिलचस्प कहानी लगेगी। इस मूवी के एंड में आप किस ओर नजर आते हैं और आप किसको सही किसको गलत मानते हैं या फिर दोनों ही अपनी जगह पे सही है, ये चीज देखने लायक होगी इस मूवी में। इस फिल्म में महात्मा गांधी के किरदार में गुजराती फिल्म डायरेक्टर दीपक अंतानी नजर आने वाले हैं, जबकि नाथूराम गौडसे का किरदार चिन्मय मंडलेकर ने निभाया है। और आपको बता दें राजकुमार संतोषी की बेटी तनीषा संतोषी भी अपना डेब्यू करती नजर आएंगी इस मूवी से। तो दैट्स इट इन टुडेज़ वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, टिल देन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।